आज हम बना रहे हैं नाशपाती का मुरब्बा। तो इसके लिए हमें सामग्री चाहिए, आधा किलो नाशपाती और 300 ग्राम चीनी, एक कटोरी पानी, आधा चम्मच हमने छोटी काली मिर्च ली हुई है, आधा चम्मच हमने मीठी सौंफ ली हुई है और हमने कलर लिया हुआ खाने वाला रेड ऑरेंज कलर, इसको कलर देने के लिए। अब हम मुरब्बे के लिए पहले चाशनी बनाएंगे। चीनी डाल दी हमने, एक कटोरी पानी डाल दिया और ऐसे भी चीनी पानी छोड़ती है, और हम इसमें डालेंगे जो खाने का कलर बताया आपको चुटकी भर, हम वो डालेंगे। अब ये हम इसको 5 मिनट तक इसकी चाशनी बनने देंगे। जब तक ये चाशनी बन के तैयार होती है तब तक हम नाशपाती को काट लेते हैं। अब हम ऐसे करके नाशपाती को छील लेंगे और इसको लंबे आकार में ऐसे करके काट लेंगे। आप भी इसको लंबे आकार में भी काट सकते हो, ऐसे गोल करके भी काट सकते हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप काट सकते हैं। हम सारी नाशपाती ऐसे करके काट लेंगे लंबे आकार में। अब ये हमारी चाशनी बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो काली मिर्च ली है हमने छोटे वाली, वो डालेंगे, और जो सौंफ ली हुई है हमने वो, और अभी हमने जो नाशपाती काटी हुई है वो हम इसमें मिला देंगे। इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे और हम अच्छी तरह पका लेंगे। इसको हम 5 मिनट तक इस चाशनी में पकाएंगे, क्योंकि ये नाशपाती भी पानी छोड़ती है, तो हमने इसको अच्छी तरह पका लेना जैसे गल जाए। 5 मिनट तक इसमें हम पकाएंगे। जैसे आप 5 मिनट पकाने रखोगे तो इसको बीच बीच में हिलाते रहना ताकि नीचे ये फ्राई पैन में लगे ना। अब ये हमारा नाशपाती का मुरब्बा बन गया है। आप इसको जब तक पकाएं जब तक ये पूरी चाशनी अपने अंदर भर ना ले, जैसे ये फूल गया, पूरी चाशनी इसमें भर गई है। अब ये हम इसको एक बोल में सर्व करेंगे। अब ये हमारा नाशपाती का मुरब्बा बनके तैयार हो गया है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।